हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1779 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 1:13-14। और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। 13वीं आयत में लेखक भजन 110 की पहली आयत का उद्धरण करके ये प्रमाणित कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वरीयता में पुत्र है स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। इस पत्री के अध्ययन के प्रारंभ में मैं आपसे ये बात कही थी कि निरंतर होने वाली, नियमित रूप में होने वाली सताव एवं झूठी शिक्षा से परेशान इब्रानी विश्वासियों का विश्वास डगमगा गया था। वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ स्वर्गदूतों की भी आराधना करनी शुरू किए थे। वर्तमान समय में भी कुछ तथाकथित मसीह समूह में जिब्रील का दिवस, मिकाइल का दिवस आदि मानने की प्रथा का उद्गम पहली शताब्दी की कलीसियाओं में फैली हुई निम्न झूठी शिक्षा। यही झूठी शिक्षा के खिलाफ इस भाग में बात करने के साथ साथ लेखक विश्वासियों को ये भी समझा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी अधिक श्रेष्ठ है। इब्रानी विश्वासी जो यहूदी भूमिका से ताल्लुक रखने वाले थे अपनी न्याय व्यवस्था से स्वर्गदूतों के अस्तित्व के बारे में जानकार थे। इसके अलावा भी स्वर्गदूतों के संबंध में रुचि वे लोग इसलिए रखते थे क्योंकि स्वर्गदूतों के संबंध में रची गई कई मनगढ़ंत एवं काल्पनिक कहानियां उन दिनों में प्रचलित है जो लोगों के मनों में स्वर्गदूतों के बारे में कई प्रकार की धारणाएं उत्पन्न कराती थी। ये बात बिल्कुल सच है कि स्वर्गदूतगण अत्यधिक शक्ति रखने वाले, सामर्थ्य रखने वाले स्वर्गीय प्राणियां हैं। एक स्वर्गदूत हजारों को मार डालने की घटनाएं हम पुराना नियम में पढ़ते भी हैं। अकेले एक स्वर्गदूत हजारों को मार गिराते हैं। नया नियम में भी हम स्वर्गदूतों के गतिविधियों को कई बार देखते हैं। परमेश्वर के आदेशानुसार संदेश पहुंचाना, परमेश्वर के आदेशानुसार किसी की सेवा करनी, रक्षा करनी आदि कई प्रकार के कार्य स्वर्गदूत करते हुए हम नए नियम में भी देखते हैं। 14वीं आयत में स्वर्गदूतों की एक और सेवा के विषय में लेखक पाठकों को याद दिलाता है, उद्धार पाने वालों की सेवा। आत्मा का उद्धार पाए हुओं को शरीर का उद्धार प्राप्त करके मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान बादल में उठा लेने की सेवा भी प्रभु के आदेश अनुसार करने हेतु स्वर्गदूतगण नियुक्त है। मत्ती 18:10, भजन 34:7, 91:11, दानियल 7:10, प्रेरितों के काम 12:7-8, पहला तस्सलुनीकियों 4:16 आदि कई पद पढ़ लीजिएगा। परंतु केवल और केवल पुत्र के बारे में ये लिखा है कि परमेश्वर पिता ने उन्हें अपना दाहिनी ओर बैठने दिया। भजन 110 की 1, मत्ती 22:44 और 16:19। दाहिना हाथ करके जो प्रयोग है अधिकार और पदवी को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वरत्व में दाहिना स्थान पिता एवं पवित्र आत्मा के साथ उनका तुल्यता को दर्शाता है। प्रेरितों के काम 7:56, इब्रानी 12:2, पहला पत्रस 3:22। परमेश्वर का दाहिना हाथ बाइबल में परमेश्वर की शक्ति का एक प्रतीक के रूप में भी दिखाया गया है। भजन संहिता 89:13, भजन संहिता 63:8, भजन संहिता 139:10, 16:11, 62:8, 60:5, 108:6, 118:15-16 तक आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने और बैठने का कार्य यही है कि जिन्होंने मनुष्य जाति का उद्धार के लिए स्वर्गदूतों से भी नीचे उतर गया उन्हें पिता परमेश्वर ने पुनः उन सभी पदवी अधिकार एवं सामर्थ्य देकर सम्मानित किया है। यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने और बैठाने का कार्य यही है कि जिन्होंने मनुष्य जाति का उद्धार के लिए स्वर्गदूतों से भी नीचे उतर गया था उन्हें पिता परमेश्वर
पुनः सभी पदवी अधिकार एवं सामर्थ्य देकर सम्मानित किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 20 से 27 तक, दूसरा कुरिन्थी 5 की 10, दूसरा तसोनिकियों अध्याय 1 से अध्याय 1 पद 6 से 10 तक, प्रकाशित वाक्य 20 की 11 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के दाहिने हाथ तरफ की उपस्थिति हम विश्वासियों के लिए एक सुरक्षा की एहसास भी है। आज वह नासरी यीशु नहीं है जो क्रूस पर दर्दनाक तथा दयनीय मृत्यु सही है, वो मृत्यु जो दो डाकुओं के बीच में यीशु मसीह एक बड़े डाकू की नाई सहा था। यीशु मसीह आज वो नासरी नहीं है जो शर्मिंदाजनक दर्दनाक मृत्यु क्रूस पर सही थी, परंतु आज वो मृत्यु एवं शैतान को हराकर परमेश्वर पिता के दाहिने ओर विराजमान महाराजा है। हम विश्वासी उनके हाथ में सुरक्षित हैं। संसार की कोई ताकत हमें प्रभु यीशु के हाथों से छीन नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उनके हाथ में सुरक्षित हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पानी का साधन है या।